सनी देओल स्टार फिल्म गदर 2 को लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की। वहीं अब गदर 2 की सफलता के बाद गदर 3 बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने खुद इसकी पुष्टि की है। खबरों की माने तो जी स्टूडियो अनिल शर्मा और सनी देओल के बीच कागजी कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही फिल्म की स्क्रिप्टिंग भी शुरू होगी। पिंक विला के साथ हुए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया कि फिल्म के पहले दौर की कागजी कार्यवाही हो चुकी है। गदर 2 की रिलीज के बाद से ही फिल्म के मेकर्स ने गदर 3 की कहानी पर काम शुरू कर दिया था। बता दें, गदर के पहले दोनों पार्ट की तरह ही तीसरे पार्ट की कहानी भी भारत पाक की लड़ाई पर आधारित होगी। हालांकि उनका कहना है कि इस बार कहानी पहले से कुछ अलग होगी। फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू हो सकती है। गदर 2 की कुल कमाई की बात करें तो फिल्म ने डोमेस्टिक लेवल पर 525.45 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये सनी देओल की कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। अनिल शर्मा ने इंटरव्यू में बताया कि हां, तारा सिंह वापस लौटेंगे क्योंकि हमने गदर 3 का बेसिक आइडिया पहले ही तैयार कर लिया है। बहरहाल अभी मैं नाना पटेलकर और उत्कर्ष के साथ एक दूसरी फिल्म पर काम कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अगली फिल्म गदर 3 ही होगी। मैं जल्द ही फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट पर काम शुरू करूंगा। गदर में तारा सिंह के बेटे जीत का किरदार निर्देशक अनिल के बेटे उत्कर्ष ने निभाया था। उत्कर्ष गदर 2 में भी सनी के बेटे का किरदार निभाते दिखाई दिए हैं। गदर 3 में भी वे नजर आएंगे। बता दें कि सनी देओल फरवरी में लाहौर 1947 की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद सनी फिल्म रामायण में अपने हिस्से की शूटिंग कर सकते हैं। वहीं 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की अगली पार्ट भी आने की खबर सामने आई है।